राम राम। हम हैं अपन के हरिया भैया बुंदेली स्टार, और आज हमारे संग हैं फिल्म अभिनेता निर्देशक भैया राम बुंदेला जू। तो अपन को स्वागत है जू ये अपने बुंदेली चैनल पे। और हमने अपन की हल्के में बहुत फिल्में देखी हैं और देखते और देखत देखत बड़े हुआ हैं। तो अपन से जोन जी अपन खजुराहो में जी इतो बड़ा फेस्टिवल करा रहे, तो अपन के विचार में कैसे आओ कहते भी जे इतने जो कछु करो जाए, तो अपन कछु बतकाओ हमारे जोन भैया हरे हैं तनक उनसे कर लूँ। सबसे पहला तो हरिया भैया बुंदेली स्टार के दर्शकों को राम राम पहुँचे, सब जने सुखी रहो, हमारा बुंदेलखंड सुखी रहे। हमारे जे फिल्म स्टार जे भी हैं हमारे बहुत बड़े, पूरा बुंदेली हमारा बुंदेलखंड इनको देखत है, और जे हम भी इनके बहुत बड़े फैन हैं और दर्शक हैं। ये हमारे हिमालय यादव जी हैं और विगत कई सालों से बुंदेलखंड भाषा की सेवा कर रहे हैं। अब सवाल रहो जो कि खजुराहो फेस्टिवल को विचार कैसे आओ, तो एक बार जब पहला कार्यक्रम शुरू भाव तो राजा भाई साहब हम सब जने बैठे थे, मीटिंग चलने लगी कि भैया एक करने तो है कार्यक्रम, वो बड़ो करने ताकि दुनिया भर से लोग आवे होते और अपने बुंदेलखंड के जितने भी अपने दर्शक हैं अपने युवा वर्ग है सब आवे और देखबे। तो हमने कहा भाई साहब खजुराहो आदमी नहीं आ पाए, बम्बई से नहीं आ पाए, दिक्कतें हैं पचासन, तो एक भोपाल में कर भी चुकन लगे राम प्रताप बुंदेली करना है तो भोपाली भोपाल फेस्टिवल हुई है, खजुराहो फेस्टिवल कैसे हुआ हो। तो हमें जो तो बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा हाँ भाई साहब जाता है। तो उनने जाकर ही कि देखो समस्याएं तो हर काम में आती हैं, उसको जीतने हैं, अगर जीत गए तो आप सफल हुआ है। सो भैया पहलो 2014 में कार्यक्रम भाव से 4-5 हज़ार जोड़ते थे इमें शिल्पग्राम में, अब वो धीरे धीरे ऐसे बड़ो के सब शेखर कपूर बोनी कपूर और बड़े बड़े लोग आऊँ लगे, अनुपम खेर और जे जे की श्राफ हरे। तो ऐसे पर जो चलो कार्यक्रम पर तुम सब लोगों को सहयोग, हमारे पूरे बुंदेलखंड वासियों को सहयोग मिलने लगो, अब परमात्मा की कृपा से बढ़िया चल रहा। बिल्कुल। और भैया अपन से एक बात और पूछना चाहते हैं कि अगर जैसे हम बुंदेली फिल्म नहीं कर रहे, बुंदेली भाषा में फिल्म बनाते हैं, आपने हम पैसे भी करा दो है, तो का कभूँ हम लोग बुंदेली भाषा में अगर फिल्म करें और में आप साइन करें तो का बुंदेली भाषा में शुभ काम करो। हम तो बुंदेली ही के लाजे जिये तुम्हारा थे, हमारा प्रयास जो है कि जैसे बने कछु कर में, लेकिन हमारी एक बात जा है कि जैसे मान लो हिमालय भैया कहें कि आप हमारी फिल्म करने जैसे चाहे चाहे एक्टिंग कराओ चाहे डायरेक्शन कराओ, तो हम जो चाहूँ के जो पैसा लगो है वो लौट में। तो हमारी आप बुंदेलखंडी दर्शकन से जब प्रार्थना है कि जैसे हिमालय भैया ने कोनो फिल्म बनाई तो उनको देखो सराहो, उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा सो ऐसा हो कि 5-10 लाख की फिल्म इनने अपने कहीं से नाम आ चें, जैसे किसान कर्जा ले जैसे जी कर्जा ले और नाम आ से वो पैसा जोड़ के इनने फिल्म आप लोगों के मनोरंजन के लाजे दई, उनको पैसा लौट रहे। वो हम तो मुफ्त के हैं, हमें कछू नहीं चाहने, हमसे जो सेवा बन पड़े वो हम करें। और हमारे बुंदेलखंड में जो प्रतिभा है ऐसे हमारे बहुत बहुत प्रतिभाएं हैं और एक से एक हैं, और हम इसमें अनुभव कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की जिसमें मध्य प्रदेश की जब फिल्म बन रही जिसमें ये मुख्य भूमिका कर रहे हैं हमारे गगन सर्वेश हरे हैं, हमारे हरेंद्र राहुल हरे हैं, बहुत जने हैं ज्ञानेंद्र पन्ना के हैं, ये सब इतनी के तो बड़े बड़े कलाकार हैं। हम तो हम निर्देशक हैं, हम जानते हैं कि जी कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, कैसा समझते हैं, तो जो इनने सीखो है कुछ यहाँ पे खजुराहो फेस्टिवल में भी सिखा। तो जो आपकी बात है हमें आधी रात को बुला लो जाए, बता दो जाए कि भैया आप राजा जी जो फिल्म करने और बुंदेलखंड के लाजें हम सदा समर्पित हैं, आप सब दर्शकों को भी जो हमसे बने हम करें। हम हालांकि एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं और चल रही योजना, वह फिल्म ऐसी है कि डाकुओं पर सबने बनाई फिल्में मार काट, हमारी फिल्म में 5-6 मोड़ी मोड़ा और 7-8-10 जन डाकुओं को झुंड, और भी कैसे वे मोड़ी मोड़ा गांव के उन डाकुओं को ठीक कर दे तो डाकुओं को समर्पण कराओ। तो जा कॉमेडी फिल्म है और बच्चों को लेके, तो ये ऐसी फिल्म हो जाए बुंदेलखंडी के हम कहीं देश विदेश में कहीं प्रतियोगिता में भेजें और लोग उसको सराहेंगे, क्योंकि हम इसमें संदेश दे रहे हैं कि बच्चे अच्छे हैं, बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, डाकुओं का मन परिवर्तन कर लिया और उनको कैसे समर्पित कराया, कैसे डाकू के सरदार को भी नौकर बना ले कि हमें जो ले आओ, हमें जो ले आओ, हमें कछु खावे ले आओ, झांसी जाओ, झांसी से मैगी ले आओ, धोकर जब मैगी का हो
बाजार में पूछ।